यस चलिए, यहाँ पे एक बार फिर से मैंने आपको लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है, और आप लोग फिर से दोबारा से जाके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास को ज्वाइन कर दीजिए, एक बार एग्जिट करिए और दोबारा से जाकर लिंक ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको जो है यस अंक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वेरी गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, जितने भी लोग आ गए हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो यस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ क्लास को। आप लोग उसके पहले एक काम कर दीजिए, फटाफट से क्लास की जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अंजू जी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन नेट से लिए गए हैं, नेट के पेपर से लिए गए हैं, जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था 14 जून को, 15 जून को, तो उससे लिए गए हैं, ठीक है। और यानी नेट का ये क्वेश्चन पेपर है, और आपके सामने जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आंसर भी आना शुरू हो गया, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी नहीं। आप विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स डिकेंस द फाउंडिंग एडिटर। चलिए जल्दी से यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको बताना है यहाँ पे आंसर, आंसर आपके आ रहे हैं, यानी आंसर जो है वो आपने दे दिया है, सी वाला ऑप्शन आपने चूज किया है। यानी सी वाले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, सी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सी वाले ऑप्शन को, तो मैं यहाँ पे वीडियो अपना हाइड कर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सी वाले ऑप्शन की बात करें तो सी एंड ई, यानी हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन, वेरी गुड इवनिंग पवन जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, दोबारा से ज्वाइन किए हैं, सभी को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग, जितने भी लोग बाद में ज्वाइन किए हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। और मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ये आपके सामने, ठीक है, जो ये आपके सामने वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नॉवेल्स लिखी हुई है, एक्चुअली ये नॉवेल्स रिलेटेड है चार्ल्स डिकेंस के अलावा भी, तो चार्ल्स डिकेंस ने इसमें से कौन सी नॉवेल को जो है एडिट किया था, कौन सी नॉवेल को जो है एडिट किया था चार्ल्स डिकेंस ने, ये मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर। और चलिए यहाँ पे आंसर की बात करें अगर, तो आप सबने यहाँ पे सी वाला आंसर लगाया हुआ है, वेरी गुड, वेरी गुड, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा वर्क था, तो यहाँ पर वर्क था चार्ल्स डिकेंस का, पहला तो द हाउस होल्ड वर्ड्स था यहाँ पे, ठीक है, द हाउस होल्ड वर्ड्स था, तो द हाउस होल्ड वर्ड्स तो यहाँ पर था ही था, इसके साथ ही साथ ऑल द ईयर राउंड, वेरी गुड, तो द हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड, ये दो वर्क थे। इसके बाद अगर बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ जो है ये नॉवेल किसकी है, ये एलिजाबेथ गॉस्कल की है, एलिजाबेथ गॉस्कल, ठीक है, तो एलिजाबेथ गॉस्कल की है नॉर्थ एंड साउथ। आप जानते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जो पूछता है तो हमेशा आपको उसके ऑप्शन को क्लियर करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जब इससे ये होगा कि जब आपको पढ़ोगे कोई भी चीज, जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको ऑप्शंस अच्छे से आ जाते हैं, तो नॉर्थ और यहाँ से क्वेश्चंस जब आपको बनेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो आपको कुछ और क्वेश्चंस भी यहीं से तैयार हो जाते हैं। तो एलिजाबेथ गॉस्कल की है नॉर्थ एंड साउथ, जो कि नॉवेल थी 1854 एंड 55 में जाकर के ये पब्लिश हुई थी। एंड इसके साथ साथ तो जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है द न्यूज कम, तो जो यहाँ पर द न्यूज कम है ये आपका क्या है, द न्यू कम्स, न्यू कम्स एक मेमोयर है, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेबल फैमिली का है, जो कि विलियम मैकपीस थैकरे की नॉवेल है, विलियम, यस, बस यहीं से। इसी तरह से अंकित जी देखिए, आपने तो अभी पेपर भी दिया था, तो इससे होता क्या है कि जब आपके यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शंस आप पढ़ते हो, ठीक है, उनको भी अगर आप क्लियर करके चलोगे तो यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। एंड 1854 1855 में ये भी आया था द न्यू कम। हाउस होल्ड वर्ड्स आपकी पता है, हाउस होल्ड वर्ड्स आपकी चार्ल्स डिकेंस की है। एंड द वे वी लिव नाउ, द वे वी लिव नाउ, ठीक है, द वे वी लिव नाउ जो है ये किसकी है, तो द वे वी लिव नाउ जो है ये आपकी एंथोनी ट्रॉलोप की है, एंथोनी ट्रॉलोप की, तो एंथोनी ट्रॉलोप की ये वर्क है, और ये 1875 में आई थी। तो इसके अलावा आपकी द हाउस होल्ड एंड ऑल द ईयर राउंड, तो ऑल द ईयर राउंड की बात कर रहे थे, तो ऑल द ईयर राउंड जो है आपकी ये 1859 से 1895 के बीच में पीरियडिकल आई थी, 1859 टू 1895, ठीक है, ये लिटरेरी मैगजीन थी, एक्चुअली पीरियोडिकल थी जो कि आई थी। और हाउस होल्ड वर्ड्स की बात करें
तो ये भी एक इंग्लिश वीकली मैगजीन थी जो कि 1850s में चार्ल्स डिकेंस ने इसको एडिट किया था। तो ये आपका वर्क क्लियर हो गया, यहाँ से पूरे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। इस तरह से आपका जो आंसर जाएगा वो सी एंड ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप चीजों को पढ़ेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो भी गोल है वो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो कलेक्ट आपको बताना है। यहाँ पे तो मैंने अभी द न्यूज कम का बता ही दिया आपको, तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी बतानी है। क्रोनोलॉजी, वर्तिका जी वेरी गुड इवनिंग। तो क्रोनोलॉजी बतानी है आपके सामने। ऑप्शन है जेन आयर, अ टेल ऑफ टू सिटीज, मिडल मार्च, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड द न्यूज कम। तो यहाँ पर चलिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे सब बता ही दिया है, तो आप मुझे अभी द न्यूज कम का मैंने आपको बताया था कि कब पब्लिश हुई थी। इसके अलावा आप जो है मुझे बता सकते हैं, इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही होगा, ये इसका जो है क्रोनोलॉजी सही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी क्रोनोलॉजी जो है इसमें सही हो जाएगी जेन आयर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या सही होगा, कौन सा इसमें क्रोनोलॉजी जो है सही होगा। तो बात करें जेन आयर, जेन आयर जो है ये नॉवेल किसकी है, शार्लोट ब्रॉन्टे की है। अभी शार्लोट ब्रॉन्टे का नाम लिया था, एलिजाबेथ गॉस्किल ने बायोग्राफी लिखी शार्लोट ब्रॉन्टे की। तो जेन आयर भी जो है ये शार्लोट ब्रॉन्टे की ही नॉवेल है, लेकिन ये करल बेल की सुडोनिम के अंडर में लिखी गई थी एंड इट वॉज पब्लिश। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई थी, तो 1847 में पब्लिश हुई थी, 1847 के अंदर जाके पब्लिश हुई थी। द न्यू कम की बात करें तो ये 1855 में पब्लिश हुई थी, 1855 में पब्लिश हुई थी। टेल ऑफ टू सिटीज की अगर बात करते हैं, तो टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये 1859 में पब्लिश हुई थी, 1859 में पब्लिश हुई थी। मिडिल मार्च की बात करें, टेल ऑफ टू सिटीज वाज द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, एंड मिडिल मार्च वाज द वर्क ऑफ किसका वर्क है, जॉर्ज इलियट का। ठीक है, जॉर्ज इलियट का वर्क है, मैरी एंड इवेंस का वर्क है, एंड इट वाज पब्लिश इन 1871 में ये पब्लिश हुई। एंड मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। और द रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात करते हैं, तो ये कब पब्लिश हुई थी, 1878 में पब्लिश हुई थी। यानी सबसे पहले आपकी जेन आयर ए वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, द न्यू कम हो जाएगा, यानी ई वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ए एंड ई। तीसरा आपका 1859, बी चौथा 1871, सी एंड फोर्थ वन द रिटर्न ऑफ द नेटिव डी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डेट सबकी नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये आपको क्रोनोलॉजी की तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने नेट का पेपर उठाया हुआ है जो दो अभी आपका जून में हुआ था, तो वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाले हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। फाइंड द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ जॉन मिल्टन पब्लिकेशन, ये तो बहुत ईजी है। जॉन मिल्टन की पब्लिकेशन की बात कर रहा है, पैराडाइज लॉस्ट लिस्टेड अस ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ऑन शेक्सपियर पैराडाइज रिगेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे कि क्या ऑर्डर होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी, आप मुझे आराम से यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ये तो बहुत इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है ये, क्योंकि आपको पता है आपने मिल्टन को बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है, उनके सारे वर्क को रीड किया हुआ है, तो यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन वेरी इजली। तो सबसे पहले आपको पता है कि अपनी स्टार्टिंग में ही, ठीक है, अपनी स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं 1629 में इस वर्क को उन्होंने लिख दिया था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। यस, वेरी गुड, डी ऑप्शन आ गया कुसुम जी का, वर्तिका जी का, अंके का, ठीक है, साधना का, धर्मेंद्र का, रोहिणी का, वेरी गुड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबसे पहले ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, देन ऑन शेक्सपियर, क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ था डीसीटी के अंदर, और उसके बाद लिसिडस 37 में आई। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, तो ओरिजिनली ये पब्लिश आपकी कब हुई थी, 1667 के अंदर में, एंड पैराडाइज रिगेन सबसे लास्ट वर्क 1671 में। ठीक है, तो ये सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि ये कब हुई 29 में, ये कब हुई 37 में, ये कब हुई 30 में, ये कब हुआ, ये आपका 67 में, ये 71 में। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है सी डी बी ए ई, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू प्रीवियस टाइटल ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी पूछा हुआ था आपसे कुछ टाइम पहले ही, रिसेंटली पूछा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये नेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो आइडेंटिफाई द टू प्रीवियस टाइटल ऑफ द पोएम, आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, एज वॉल्ट विटमैन कंटिन्यूड टू रिवाइज इट अंटिल इट रीच द प्रेजेंट फॉर्म इन द सी ड्राफ्ट सेक्शन ऑफ द 1881 एडिशन।
तो यहाँ पर आपको बताना है ये जो पोयम है इसके दो प्रीवियसली टाइटल कौन से थे। क्वेश्चन मैंने अभी कुछ टाइम पहले पहले ही पूछा हुआ था आपसे। विजिल स्ट्रेंज आई कीप्ड ऑन द फील्ड वन नाइट, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, या चाइल्ड्स रेमिसेंस, द वुंड ड्रेसर, अ वर्ड आउट ऑफ द सी। योर ऑप्शंस आर सी एंड डी, डी एंड बी, ए एंड डी एंड बी एंड ई। आराम से सोचिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं पढ़ने के बाद अच्छे से। तो चलिए यहां पर आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग। तो यहां पर अगर आंसर की बात करें तो अ चाइल्ड रेमिनिसेंस एंड अ वर्ड आउट ऑफ द सी, ये दो आपका आंसर बनता है। ठीक है, अ चाइल्ड रेमिनिसेंस एंड अ वर्ड आउट ऑफ द सी, यानी आपका सी एंड ई। वेरी गुड, ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए साधना जी, वेरी गुड, ऑप्शन ए, नॉट बी एंड डी। बी एंड डी, इट्स सी एंड ई। ओके, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा हुआ था, आई होप 15 डेज बिफोर ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्नॉलेज दैट पोएट्री इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट एज प्रोज, द डिफरेंस लाइज इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड द डिफरेंट ऑफ पर्पस। जॉन ड्राइडन, सैमुअल टेलर कॉलरिज, अलेक्जेंडर पोप, फिलिप सिडनी। ये आपके सामने ऑप्शन है। और हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्नॉलेज दैट पोएट्री इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एज प्रोज, द डिफरेंस लाइज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड द डिफरेंट ऑफ डिफरेंसेज ऑफ द प्रोज। तो चलिए मुझे यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या होगा सही आंसर। चलिए मुझे जल्दी से यहाँ पे आप आंसर करके बताएं कि सही आंसर इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, वर्ड्सवर्थ ने तो बहुत अच्छी चीज कही थी। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि देयर इज नो सेंसियर डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि कोई अंतर नहीं है। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि ठीक है, उनका कहना था कि देयर कैन बी एंड देयर ऑट टू बी द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। ठीक है, तो उनका जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, देयर इज नो सेंसियर डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा, लेकिन किसने इस बात को कॉन्ट्रोडिक्ट किया, किसने इस बात को कॉन्ट्रोडिक्ट किया कि नहीं, एक डिफरेंस होना चाहिए। देयर इज द डिफरेंस, ठीक है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज कॉम्पोजिशन एंड पोएट्री कॉम्पोजिशन। एंड ये, यस, वेरी गुड, ये कहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, जो अभी आंसर नहीं मिला मुझे। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी बहुत ही फेमस बुक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, एंड लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ के साथ में थे, साथ में इन्होंने कोलैबोरेट करके पब्लिश किया था। और इन्होंने वर्ड्सवर्थ की इस थ्योरी को जो है कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि पोएट्री एंड प्रोज की लैंग्वेज में डिफरेंसेस नहीं होता है। इनका मानना था कि नहीं, पोएम एंड प्रोज जो है वो डिफरेंट थिंग है और दोनों की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री बाय निजी मैजिकल। निजी मैजिकल वॉज द इंडियन इंग्लिश पोएट, और यहाँ पर उनका जो ये वर्क है इसकी आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो चलिए अगेन आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। ये जो आपके सामने वर्क लिखा हुआ है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 की क्रोनोलॉजी क्या होगी, सही क्रोनोलॉजी क्या होगी। द एग्जैक्ट नेम, लेटर डे साम, 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन, अ टाइम टू चेंज। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि वॉट वॉज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वॉट वॉज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द निजी मैजिकल्स पोएम। तो यहाँ पे आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा, बी सी डी ए ई, डी ई सी बी ए, ई सी डी ए बी, ए डी बी ई सी, विच वन इज द करेक्ट। क्या लग रहा है आपको, कौन सा आंसर सही होगा? पहले कौन सा उनका वर्क आया था और उसके बाद कौन सा वर्क आया था, आप मुझे क्रोनोलॉजी ऑर्डर करके बता सकते हैं कि कौन सा वर्क इनका था। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और आप मुझे बताइए कि क्या आप आंसर होगा, ए एंड बी। चलिए ओके, बी। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम टू चेंज। टाइम टू चेंज जो है वो आपका 1952 में आया,
देन आई 60 पोएम्स 1953, यानी ई के बाद सी, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। देन आपका 1953, और उसके बाद आया अनफिनिश्ड मैन, द अनफिनिश्ड मैन 1960, 1960, एंड देन आया आपका द एग्जैक्ट नेम 1965, एंड द लास्ट में आया 1982 लेटर डे साम्स 1982, यानी ई सी डी ए एंड बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज वेरी करेक्ट, आप सबके आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द राइटर्स ऑफ सेक्युलर प्रोज इन द 14th सेंचुरी, जॉन ऑफ रिवीसा, जूलियन ऑफ नॉर्विक, जॉन मैंडेलवेले, बर्नार्ड बेनार्ड ऑफ क्लेयरवैक्स, वॉल्टर हिल्टन। चलो यहां पे मुझे आप बता सकते हैं, तो सेकुलर प्रोज क्या होता है, ठीक है, सेकुलर प्रोज की बात करें तो सेकुलर प्रोज हैज हिस्टोरिकली बीन यूज्ड प्राइमरली ऑफ द लिमिटेड रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड सूडो साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है, सूडो साइंटिफिक राइटिंग जो होती है आपकी, ठीक है, या कह सकते हैं लिमिटेड रेंज ऑफ क्रिएटिव, लिमिटेड रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड सुडो साइंटिफिक राइटिंग थी विच सर्वाइव फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड द रोमांटिक लिटरेचर, ठीक है, तो दोहा से आपका ये सर्वाइव कर रहा था, एंड द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये सेकुलर प्रोज जो था एक्चुअली ये आपका पॉपुलर कब था, ये आपका पॉपुलर था एंग्लो सैक्सन पीरियड में, बहुत ज्यादा पॉपुलर था, एंड इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, एंड सी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ एस्किलस ओरिस्टिया ट्रिलॉजी, ओरिस्टिया ट्रिलॉजी, जब मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा पढ़ाया था, स्टार्टिंग ऑफ ड्रामा, बिगनिंग ऑफ ड्रामा पढ़ाया था, तो मैंने आपको एस्किलस के बारे में बताया था कि सबसे पहले ड्रामा जो था वो आपका एंशियंट ग्रीक से ओरिजिन हुआ, और उसके बाद फिर रोम में, देन इंग्लैंड में, तो आपका एंशियंट ग्रीक से हुआ, डायनासस का जो एक सेरेमनी होती थी, डायनासस गॉड की, वहां पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता था, और ठीक है, तो रिलीजियस इसकी स्टार्टिंग रही, कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन जो है वो रिलीजियस रही, और यहाँ पर एस्किलस का नाम आता है ट्रेजेडी राइटर्स में, तो एस्किलस ने अपना वर्क लिखा था ओरिस्टिया, एंड ये जो ओरिस्टिया है ये एक ट्रिलॉजी थी, और आपको बताना है इसमें कौन कौन सा वर्क शामिल है, ठीक है, कौन कौन सा वर्क इसके अंदर आता है ओरिस्टिया, ठीक है, ट्रिलॉजी है, ग्रीक ट्रेजेडी है ये, एक एस्किलस ने लिखी थी, और इसमें आपको कौन कौन सा वर्क आता है, तो इसमें स्टोरी एक्चुअली क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसके अंदर 3 बुक्स आती हैं, और चलिए इसके अंदर 3 बुक्स आती हैं, मैं उनके नाम आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी बुक आती हैं इसके अंदर, मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ, बट अगेन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, पहली तो आती है एगामेमनॉन, ठीक है, बिकॉज द स्टोरी वॉज अबाउट द एगामेमनॉन, ठीक है, द मर्डर ऑफ एगामेमनॉन बाय क्लाइटेमेंस्ट्रा, एंड द मर्डर ऑफ क्लाइटेमिनिस्ट्रा बाय ओरेस्टस, देन ट्रायल ऑफ ओरेस्टस एंड एंड ऑफ द कर्स ऑन द हाउस ऑफ आर्टियस एंड द प्रोफेसिकेशन ऑफ द पेसिफिकेशन ऑफ द फ्यूरीज, तो ये इसकी स्टोरीज है, लेकिन इसके अंदर 3 पार्ट है, एगामेमनॉन एंड द लिबिएशन बेयरर एंड द थर्ड वन इज द ह्यूमेनाइड्स, थर्ड है द ह्यूमेनाइड्स, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है ट्रिलॉजी का, पहला दूसरा एंड तीसरा, ये 3 पार्ट है, और आप देख लीजिए ए एंड बी किसके अंदर में लिखा हुआ है, तो ए एंड बी आपका ए वाले में लिखा हुआ है, एगामेमनॉन एंड द लिबिएशन बियरर्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम आर रिटन बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट लोवेल, ठीक है, रॉबर्ट लोवेल ने कौन सी पोएम लिखी है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है,
तो चलिए यहां पर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, रॉबर्ट लोवेल, एनेक्डोट ऑफ द जॉर, स्कंक आवर, हाउल, नाइट स्वीट, अ गिफ्ट आउट राइट, कौन सी, ठीक है, कौन सी पोयम यहां पर जो है रॉबर्ट लोवेल ने लिखी है, ठीक है। अमेरिकन पोएट थे रॉबर्ट लोवेल, और आपको बताना है कौन सी पोयम यहां पर लिखी हुई है रॉबर्ट लोवेल ने। ऑप्शन है ए एंड सी, ठीक है, बी एंड डी, सी एंड ई, एंड ए। एनेक्डोट ऑफ द जार, स्कंक आर, हाउल, नाइट स्वीट, अ गिफ्ट आउट राइट। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन धर्मेंद्र जी ने दिया है, निरंजन जी ने ए कहा है। चलिए यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि जो एनेक्डोट है ऑफ द जार है, ये वैलेस स्टेवंस की पोयम है। ये वाली पोयम किसकी है, वैलेस स्टीवंस। ठीक है, स्कंक आर रॉबर्ट लोयल की पोयम है, ठीक है। हाउल की बात, स्कंक आर जो है ये इनकी बहुत ज्यादा एंथोलाइज्ड पोयम मानी जाती है स्कंक आर, एंड इट वाज पब्लिश हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑफ पोयम्स, ठीक है, लाइफ स्टडीज, एंड इट इज रिगार्डेड एज अ की अर्ली एग्जांपल ऑफ कन्फेशनल पोएट्री। एक्चुअली रॉबर्ट लोयल जो थे ये कन्फेशनल पोएट माने जाते थे, और ये जो इनका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो इनका एग्जाम्पल है, ये जो पोयम है, ये कन्फेशनल पोएट्री का अर्ली एग्जाम्पल माना जाता है। तो स्कंक आर, ओके, और लाइफ स्टडीज में यह पब्लिश हुआ था। एंड द नेक्स्ट वन इज द नाइट स्वीट, ये भी रॉबर्ट लोवेल की ही है, रॉबर्ट लोवेल की नाइट स्वीट है। एंड नाइट स्वीट में उन्होंने जो है वो बताया कि कैसे जो एंग्जाइटी है या जो सेल्फ डाउट है, इसके बारे में इन्होंने बताया है नाइट स्वीट। तो ये दो, बी एंड डी, ये आपका वर्क रॉबर्ट लोवेल का है। हाउल जो है ये किसकी है, ये एलन गिन्सबर्ग की है, जो बीट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बीट जनरेशन, एलन गिन्सबर्ग, बहुत ही फेमस पोएम है। एंड इट आल्सो नोन एज हाउल फॉर द कार्ल सोलोमन, ठीक है, एंड 1954-5 में लिखा गया था इसको, 56 में पब्लिश हुई थी। एंड ये कार्ल सोलोमन को एक्चुअली क्या किया गया था, इसको डेडिकेट किया गया था। और इसके बाद, ठीक है, द गिफ्ट आउटराइट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, जिसको उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के इनाग्रेशन में इसको उन्होंने कहा था यह साधना, ये जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस एज अ डायरिस्ट, ठीक है, नॉन फिक्शन में आपकी डायरी आती है, और डायरी में जैसे सैमुअल पेपीज का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर आपको इन चारों में ऑप्शन बताना है कि कौन जो है एज अ डायरिस्ट बहुत फेमस है, जॉन एवलिन, जॉन बनियन, अर्ला फ्रॉचेस्टर, रॉबर्ट वॉकर। तो चले यहाँ पर मुझे बताइए कौन सा इसमें से राइटर है जो कि एज अ डायरिस्ट बहुत फेमस है, ठीक है। यस, वेरी गुड साधना जी, गुड, वेरी गुड, जॉन एवलिन, ठीक है, जॉन एवलिन वाज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर देखो, एवलिन जो थे, जॉन एवलिन ही उन्होंने डायरी, ही वाज नोन एज द फेमस डायरिस्ट, ठीक है, वो फेमस डायरिस्ट के फॉर्म में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। एंड ही वाज अ फाउंडिंग फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो कि साइंस के डेवलपमेंट के लिए बनी थी, उसके फाउंडिंग फेलो में से एक थे। और उनका एक वर्क था एवलिन्स डायरी, ये अनपब्लिश था 1818 तक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जॉन एवलिन वॉज फेमस एज अ डायरिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग एज द प्रोप्रिएटर ऑफ द रोज थिएटर, रिपेयर्ड 1592 एंड 1595, एंड स्पेंट सब्सटेंशियल सम्स ऑन रिनोवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग हिज थिएटर, जेम्स बर्बेज, फिलिप हैंसलोवे, रिचर्ड बर्बेज, फ्रांसिस लैंगले। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि थिएटर ओपन हो रहा था 1576 में, और उसके बाद, ठीक है, 1576 में पहला थिएटर ओपन हुआ था थिएटर के नाम से, फिर रोज आया, ग्लोब आया, ब्लैक फ्रायर आया, ठीक है, स्वान आया, तो कई सारे थिएटर उस समय ओपन हुए थे स्टार्टिंग के टाइम पे इंग्लैंड में। तो इसमें से जो रोज थिएटर था एलिजाबेथन टाइम पर, वो आपको बताना है, एलिजाबेथन एज के में थिएटर्स काफी ज्यादा फेमस रहे। तो रोज थिएटर का किसने स्टैब्लिश किया था इसको, ठीक है, ये एलिजाबेथन थिएटर था, और इस समय फोर थिएटर थे एलिजाबेथन टाइम पे, उस टाइम पे द थिएटर, ठीक है, द कर्टेन,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्टेन, द थिएटर एंड द कर्टेन, एंड रोज थिएटर एंड ग्लोब। एंड इट वॉज बिल्ट बाई इन 1587 बाई फिलिप हैंस्लोवे, नॉट रिचर्ड बर्बेज वॉज अ एक्टर। जेम्स बर्बेज ने द थिएटर की परमिशन ली थी, पहला थिएटर जो स्टेब्लिश किया था 1576 में। एंड इट वॉज फिलिप हैंस्लोवे, ठीक है, फिलिप हैंस्लोवे हु बिल्ट 1587 में, इन्होंने क्या किया था, रोज थिएटर को बिल्ट किया था, ठीक है। तो इनका नाम था फिलिप हैंस्लोवे। एंड इट वॉज द फर्स्ट पर्पज बिल्ट प्ले हाउस टू एवर स्टेज अ प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है। शेक्सपियर के किसी भी प्ले का ये हमेशा स्टेज इसका खाली रहता था, शेक्सपियर के किसी भी प्ले को यहाँ पे दिखाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला ऐसा पर्पज बिल्ट प्ले हाउस था जो कि शेक्सपियर के प्लेस को दिखाने के लिए बना हुआ था, द रोज। नेक्स्ट है, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द थॉमस हार्डीज पोएट्री कलेक्शन, ठीक है। तो आपको पता है पोएट्री पब्लिकेशन थॉमस हार्डी का पूछा हुआ है, वैसे थॉमस हार्डी एक नॉवेलिस्ट थे और जॉर्ज इलियट की पैटर्न पर विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे, लेकिन साथ ही साथ पोएट भी थे ये। और आपको यहाँ पर पोएट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस है चैनल फायरिंग द डार्कलिंग थ्रस्ट इन टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशंस ही नेवर एक्सपेक्टेड मच अ ट्रैम्प प्रूवन स्ट्रेटजी, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सही कौन सा है, ठीक है, कौन सा ऑर्डर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा इसमें सही है। चलिए आराम से आप बता सकते हैं कौन सा इसमें से ऑर्डर सही है। तो सबसे पहले देखिए, द डार्कलिंग थ्रस्ट, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये किसमें पब्लिश हुई थी, पोएम ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट में 1901 में। देन आपकी आई, आपकी यहाँ पर आपकी जो सेकेंड आई थी, अ ट्रैम्प वुमन्स ट्रेजेडी, जो कि आई थी 1909 में, टाइम्स लॉफिंग स्टॉक एंड अदर वर्सेज में, ठीक है, टाइम्स लॉफिंग स्टॉक एंड अदर वर्सेज में आई थी अ ट्रैम्प वुमन्स ट्रेजेडी, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1909, ठीक है। कल्पना जी, कहाँ नहीं जा सकता कि कहाँ आ जाए कहाँ नहीं आ जाए, क्वेश्चन तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है। द टाइम ऑफ ब्रेकिंग नेशंस, ये आपकी आई थी 1915 में, वर्ल्ड वार के बाद में, ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद में आई थी। एंड ही नेवर एक्सपेक्टेड मच में, ये जो आपकी पोयम है ये 1928 में आई थी, विंटर वर्ड्स एंड वेरियस मूड एंड मीटर्स में 1928, यहाँ से आप क्रोनोलॉजी मिला सकते हैं। एंड चैनल फायरिंग आई थी 1914 में, तो यहां से आप मिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा द डार्कलिंग थ्रस्ट, यानी बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, बस आप यहीं से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किसी में बी से स्टार्टिंग नहीं है। द डार्कलिंग थ्रस्ट, देन अ ट्रैम्प वुमन्स ट्रेजेडी, देन आपकी जो है चैनल फायरिंग 1914 में आई, उसके बाद आपकी द टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द नेशंस 1915, एंड उसके बाद ही नेवर एक्सपेक्टेड मच 1928, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मे बी कंसिडर्ड एज अ पैरोडी ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ एंड सम पार्ट्स ऑफ हैमलेट एंड किंग लियर, जी बी शॉ पिग्मेलियन, लुइगी पिरांडेलोज बेला विटा, अगस्त स्ट्रिंडबर्ग द डांस ऑफ डेथ, अल्फ्रेड जेरीज यूगुरोई। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मे बी कंसिडर्ड एज अ पैरोडी ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ एंड सम पार्ट्स ऑफ हैमलेट एंड किंग लियर, जी बी शॉज पिग्मेलियन, पिग्मेलियन, लुगी पिरांजेलूस, बेलाविचा, ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग द डांस ऑफ द डेथ एंड अल्फ्रेड जेरीज यूगुरोई। किसके अंदर आपको मैकबेथ या कुछ हैमलेट एंड किंग लियर के पार्ट की पैरोडीज देखने के लिए मिलती है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ओके
ओके तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि पिग्मेलियन के लिए नहीं था, पिग्मेलियन वॉज इसकी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। इसमें इसमें एक गर्ल की स्टोरी है जिसको एक लेडी बनाता है प्रोफेसर्स, ठीक है, एक बेट के थ्रू। तो अल्फ्रेड जेरी इज यूबू रोई। यूबू रोई इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्लेज ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड ही रोट अ यूनिक प्ले विच वेंट अगेंस्ट नॉर्म्स एंड कन्वेंशन ऑफ दैट टाइम। एक्चुअली यूबी रोई जब लिखा था अल्फ्रेड जेरी ने तो सिर्फ 23 ईयर्स के थे, और इसकी ट्रिलोजी लिखी थी उन्होंने, यूबू रोई, यूबू एनकाइन, इसकी ट्रिलोजी है यूबू एनकाइन एंड यूबू कुको, ठीक है। एंड काफी जब मिक्स इसका रिव्यू भी रहा यूबू रोई, एंड इट वॉज रिटन इन 1896, ठीक है, 1896 में इसको लिखा था उन्होंने, 1896 में लिखा था। और इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एक्चुअली फ्रेंच प्ले राइट है, ये ध्यान रखिएगा, फ्रेंच प्ले राइट है, इसलिए आपको लैंग्वेज ऐसी लग रही है, फ्रेंच प्ले राइट, ठीक है। आर्टिस्टिक मेजर आर्टिस्टिक मूवमेंट मॉडर्निस्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। एंड ये जो प्ले है, ठीक है, ये जो प्ले है इसके अंदर आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए क्या क्या चीजें इसके लिए देखने के लिए मिलती है, तो इसके अंदर जो अम्बिशन है, पॉलिटिकल अम्बिशन है, वो मैकबेथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल अम्बिशन जो है वो आपको कि उस कैसे वो अपने भाई का मर्डर करके किंग बन जाता है, तो यहाँ पे डेड किंग का बेटा जो है और उसकी वाइफ जो है वो भाग जाती है, तो कुछ प्लॉट जो इसका मैकबेथ से मिलता है, और कुछ जो है इसमें घोस्ट जो है पुराने जो किंग है, जो एंसेस्ट्रल किंग है, उसका घोस्ट आता है, तो ये हैमलेट से मिलता है, ठीक है। एंड कुछ पार्ट जो है जूलियस सीजर से, रिचर्ड थर्ड से, द विंटर टेल से, तो एंड द किंग लियर से, तो काफी सारे जो उनके प्लेज है वहां से इनमें कुछ कुछ पार्ट जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पर अल्फ्रेड जेरीज यूबू रोई, ये आपका पैरोडी है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, द विंटर टेल का, ठीक है। नेक्स्ट है हु कंपोज ल्यूकास्टा पॉस्ट्यून पोएम्स पब्लिश्ड पॉस्थमसली, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस क्रिव, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग। ल्यूकास्टा, ठीक है, ल्यूकास्टा एक कलेक्शन है, पोएम का कलेक्शन है, और इसके अंदर काफी सारी ल्यूकास्टा पे बेस्ड पोएम थी, जिसको कि एड्रेस ही ल्यूकास्टा को किया गया था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि वो वुमेन है रियल लाइफ है या फिर कोई इमेजिनरी वुमेन है, और इसको लिखा था रिचर्ड लवलेस ने, ठीक है, रिचर्ड लवलेस ने इसको लिखा था। तो ल्यूकास्टा गोइंग टू द वैरियर्स, गोइंग बियॉन्ड द सीज, गोइंग टू द वैरियर्स, तो ये ल्यूकास्टा बेस्ड पोएम है, ल्यूकास्टा कलेक्शन की, और ये रिचर्ड लवलेस की पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल आर रिटन बाय विल्की कॉलिंस, विल्किन कॉलिंस वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ल्स डिकेन, ठीक है, चार्ल्स डिकेन के ये फ्रेंड थे विल्की कॉलिंस, और आपको बताना है विलियम विल्की कॉलिंस जो 1824 में बॉर्न हुए थे, एंड ही वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट, एंड ही वॉज स्पेशली नोन फॉर हिज मिस्ट्री नॉवेल एंड डायडेक्टिक नॉवेल, फर्स्ट कह सकते हैं अर्ली टाइम पे सेंसेशनल नॉवेल लिखने के लिए, कह सकते हैं फर्स्ट सेंसेशनल नॉवेल भी कह सकते हैं इनकी, द मून स्टोन, ये डायरेक्टिव नॉवेल थी, फर्स्ट सेंसेशनल नॉवेल इसी में से एक है, तो मैं भी आपको बताऊंगी, ये डिटेक्टिव नॉवेल थी, डिटेक्टिव नॉवेल, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव नॉवेल भी पहली, द मून स्टोन लिखी, सेंसेशनल नॉवेल लिखी पहली विल्की कॉलिंस ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिस्ट्री नॉवेल जिसको आप कह सकते हैं, तो विल्की कॉलिंस वाज वेरी फेमस फॉर हिज मिस्ट्री नॉवेल एंड हिज डिटेक्टिव नॉवेल, हिज सेंसेशनल नॉवेल, जिसको सेंसेशन क्रिएट करने वाली नॉवेल। तो यहाँ पर कौन सा दो वर्क है जो कि विल्की कॉलिंस को बिलोंग करता है, बैजिल, अ टेल ऑफ अ टब, द वुमन इन व्हाइट, लैप्सिंग, अ स्कूल फॉर लवर्स। क्वेश्चन नंबर 15, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, लैप्सिंग एंड अ स्कूल फॉर लवर्स, दिस वॉज द वर्क ऑफ जिल पाटो वॉल्स, जिल ठीक है, एंड इसके अलावा बाप का बचा क्या, अ टेल ऑफ अ टब, अ टेल ऑफ अ टब वॉज जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, टेल ऑफ टब जोनाथन स्विफ्ट का काम है, स्विफ्ट का वर्क है, जोनाथन स्विफ्ट का। एंड यहाँ पर बचा बैजिल एंड द वुमन इन व्हाइट,
द वुमन इन व्हाइट इज वेरी फेमस वर्क ऑफ विल्की कॉलिन. ठीक है, द वुमन इन व्हाइट वॉज पब्लिश्ड इन 1859 एंड इट वॉज फर्स्ट सेंसेशनल नॉवेल, अर्ली सेंसेशनल नॉवेल. ठीक है, द वुमन इन व्हाइट एंड द मून स्टोन वॉज द 1868 में आया था और ये पहली डिटेक्टिव नॉवेल थी. एंड बेजिल की बात करें तो बेजिल आई थी 1852 में, इट वॉज हिज सेकेंड नॉवेल. ठीक है, सेकेंड नॉवेल एंटोनिया उनकी पहली नॉवेल थी एंटोनिना, उसके बाद उन्होंने इसको लिखा था. द बेजिल एंड द वुमन इन व्हाइट यानी ए एंड सी, इट वॉज ऑप्शन सी, ए एंड सी. ठीक है, बेजिल एंड द वुमन इन व्हाइट, तो ये आपका वर्क था जो कि विल्की कॉलिंस ने लिखा था. ठीक है, विल्की कॉलिंस का वर्क था. नेक्स्ट है, विच ऑफ द नॉवेलिस्ट हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद दियर वर्क. ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नॉवेलिस्ट है जिसका वर्क बिल्कुल मैच कर रहा है. थॉमस हार्डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, चार्ल्स डिकेंस द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलोवे, जॉर्ज इलियट नॉर्थेंगर एबे, शार्लोट ब्रॉन्टे द प्रोफेसर. इट्स ऑल्सो वेरी इजी वर्क, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना है, आपका बहुत आसानी से आप आंसर मिल जाएगा. थॉमस हार्डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, चार्ल्स डिकेन द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलोवे, जॉर्ज इलियट नॉर्थेंगर एबे एंड शार्लोट ब्रॉन्टे द प्रोफेसर. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 है और बी वाला आंसर साधना जी ने दिया है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थॉमस हार्डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये तो बिल्कुल सही है. द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसकी है, थॉमस हार्डी के. चार्ल्स डिकेंस द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, तो हेनरी एस्मंड जो है ये एक्चुअली जो वर्क है ये चार्ल्स डिकेंस का नहीं है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने दो ही हिस्टोरिकल नॉवेल लिखे हैं. ठीक है, दो ही हिस्टोरिकल नॉवेल लिखे हैं, टेल ऑफ टू सिटीज एंड कौन सी है, सेकेंड वाली. तो यहाँ पर आप बताइए द, तो यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस की ये नॉवेल नहीं हो सकती. तो द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, हेनरी एस्मंड ये किसकी है, ये विलियम मैकपीस थैकरे की है. तो ये हो गई किसकी, विलियम मैकपीस थैकरे की, तो ये आपकी हो नहीं सकती, इसको मैंने काट दिया. वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डॉलोवे सही है. जॉर्ज इलियट नॉर्थेंगर अभी बिल्कुल गलत है, ये जेन ऑस्टेन की है. एंड शार्लोट ब्रॉन्टे द प्रोफेसर सही है, तो ए सी एंड ई. ठीक है, ए सी एंड ई, ऑप्शन बी, वेरी गुड. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच फॉलोइंग वर्क्स ऑफ टी एस एलियट वर फर्स्ट पब्लिश्ड. द सैक्रेड वुड, नोट्स टुवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, द मेटाफिजिकल पोएट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. सी डी ए ई बी, D C A B E, A C D E B and B A C D E. चलिए, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, टी एस एलियट पर बेस्ड है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, आप ऑप्शंस क्लियर करते चला कीजिए. जैसे चार्ल्स डिकिन्स के सामने लिखा था तो आपको पता था कि टेल ऑफ टू सिटीज एंड बार्नबी रस के अलावा उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं लिखी है कोई, तो द हेनरी ऑफ एस्मंड तो हो ही नहीं सकता था, हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड तो ये हो ही नहीं सकता. तो ये अगर आप हटा देते तो आपको ऑप्शन बहुत आसानी से मिल जाता. तो एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट सिस्टम आपका कहीं ना कहीं बहुत काम आता है. तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे बताइए ये जो टिया सिलियट की कहानी है ये क्या है सही. तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ आंसर, द सेक्रेड वुड ये आपकी आई थी, कब आई थी, सबसे पहला है द सेक्रेड वुड एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, ये आई थी 1920 में, 1920. नोट्स टुवर्ड द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, ठीक है, नोट्स टुवर्ड द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, ये आई थी 1948 में. द मेटाफिजिकल पोएट ये आपकी आई थी 1921 में, ठीक है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923. तो
एंड द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म ये आपकी आई थी 1933। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, द सैक्रेड वुड यानी ए वाला ऑप्शन, देन द मेटाफिजिकल पोएट सी वाला ऑप्शन पहला दूसरा, ठीक है। थर्ड वाला द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म हो जाएगा यहाँ पे 1923, ये तीसरा हो गया। चौथा हो जाएगा द यूज ऑफ पोएट्री ऑफ एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये फोर्थ नंबर पे आ गया एंड बी वाला सबसे लास्ट में जाएगा। तो आपका ऑप्शन इन दोनों में से एक होना चाहिए, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। ये तो पहले आपने हटा दिया, ए सी डी ई बी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड। इस बार सही है धर्मेंद्र, शोभा, वर्तिका, गुड, रोहिणी, गुड। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द विच टू प्लेज ऑफ एंटोन शिको मेड क्रिएटिव यूज ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, मैरिज प्रपोजल, थ्री सिस्टर, द चेरी ऑर्कर्ड, अंकल वान्या, द सीगुल। चलिए यहाँ पे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस वॉक के अंदर, ठीक है, किस वॉक के अंदर जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मैकबेथ का क्रिएटिव यूज किया है। ओके, यहाँ पे मैं अगर बात करती हूँ तो सही आंसर है थ्री सिस्टर एंड द सीगुल, थ्री सिस्टर एंड द सीगुल, बी एंड ई, ऑप्शन बी। ओके, बाकी ये जितने भी वर्क है, ठीक है, बाकी जो ये जितने भी वर्क है ये सारे के सारे किसके, ये सारे के सारे इन्हीं के हैं, ये सारे के सारे जो है ये वर्क इन्हीं के हैं, शायद द सेरी ऑकर्ड हो, मैरिज प्रपोजल, अंकनवान्या, ये सारे के सारे वर्क इन्हीं के हैं। तो याद रखिएगा ये सारा वर्क जो है इन्हीं का है, और इसमें से ये दो वर्क जो मैंने अभी आपको बताया इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने शेक्सपियर की जो मैकबेथ है उसका क्रिएटिव यूज किया है। थ्री सिस्टर्स जो थी एक्चुअली ये जो थी थ्री सिस्टर, द सी गुल एंड अंकल वार्निया एंड मैरिज प्रपोजल द चेरी ऑर्कर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ जॉनसन्स लिटरेरी क्लब। तो कौन सा इसमें से जॉनसन के लिटरेरी क्लब का मेंबर नहीं था, जॉनसन्स लिटरेरी क्लब का कौन सा पर्सन इसमें से मेंबर नहीं था, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जॉन ड्राइडन, एडमंड बर्क, जॉन हॉकिंस, ठीक है, सैमुअल जॉनसन का एक क्लब था जिसको लिटरेरी क्लब कहते थे, 1764 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, उसके काफी सारे मेंबर्स थे। तो इसमें से कौन सा मेंबर जो है आपका यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जो मेंबर्स की बात करें वो है जोशुआ रेनॉल्ड, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, एडमंड बर्क, क्रिस्टोफर नगेंट, टोफॉम ब्यूक्लर,
बेनेट लॉन्गटन, ठीक है, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, एंटोनी कैमर, एंटोनी कैमियर एंड जॉन हॉकिंस, जॉन हॉकिंस, ये मेंबर्स है जो कि लिटरेरी क्लब के मेंबर्स थे। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। जॉन ड्राइडन वॉज नॉट द मेंबर ऑफ जॉनसन्स लिटरेरी क्लब, ठीक है, जॉन ड्राइडन जो थे ये मेंबर नहीं थे जॉनसन के लिटरेरी क्लब के। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इन लैटिन, ठीक है, एरिस्टोटल की पोएटिक्स को किसने लैटिन में ट्रांसलेट किया था, हु ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स पोएट्री इन लैटिन, जॉर्जियो वैला, पेरी कॉर्नेली, ह्यू स्टर्निक, डब्ल्यू हैमिल्टन फाइव। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं किसने जो है वो ट्रांसलेट किया था। ऑप्शंस हैं आपके पास, जॉर्जियो वैला, पेरी कॉर्नेली, ह्यू ट्रेडनिक, डब्ल्यू हैमिल्टन फाइव। सो द करेक्ट आंसर इज जॉर्जियो वैला। जॉर्जियो वैला मेड अ लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक्स फ्रॉम अ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट ही ओन्ड, उनके पास एक ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट था, उसका इन्होंने लैटिन ट्रांसलेशन किया था, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1498। 1498 में इसको पब्लिश भी किया गया था। इवन विथ इट्स फॉल्ट ब्रॉट द पोएटिक्स फर्दर टू द फोर फॉर रीडर्स विदाउट द एबिलिटी टू रीड ग्रीक और विदाउट एक्सेस टू सम कॉपी ऑफ द ग्रीक टेक्स्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने थोड़ा सा अवेलेबल करा दिया था, भले ही उसमें काफी सारे फॉल्ट थे लेकिन फिर भी ये अवेलेबल हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओपनिंग ऑफ द वेल नोन रोमांटिक पोयम, ओपनिंग लाइन कौन सी इसमें से नहीं है, ओपनिंग लाइन ऑफ द वेल नोन रोमांटिक पोयम, ठीक है, पोएम्स। तो यहाँ पे माई हार्ट एचेस हैड अ एंड अ ड्राउजी नंबनेस पेन्स माई सेंसेस डॉट डॉट डॉट, हेल टू दी ब्लिदे स्प्रिट, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें है जो कि ओपनिंग लाइन नहीं है रोमांटिक पोएम की। रंजन जी का आंसर है सी, साधना का सी है, एंड रोहिणी का बी है। और कोई आंसर, वर्तिका जी ने भी सी आंसर किया है। ओके, तो माई हार्ट एचेस, ये तो स्टार्टिंग है, ओ टू द नाइटिंगेल, हार्ट हेयर टू दी ब्लिदे स्प्रिट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये तीनों ही ओपनिंग लाइन है रोमांटिक पोएम्स की, रोमांटिक एरा से बिलोंग करती है, लेकिन ठीक है रोमांटिक एरा से बिलोंग करने वाली पोएम है, लेकिन मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग, ये जो लाइन है ये स्प्रिंग एंड फॉल की है, स्प्रिंग एंड फॉल, जो कि किसने लिखी है, हॉपकिंस ने, जी हाँ हॉपकिंस की पोएम है ये। तो ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग कर रहे हैं जबकि ये रोमांटिक एरा से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है वो रोमांटिक पोएट्री की स्टार्टिंग लाइन नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, द अर्लिएस्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म इज, सिमोन डी बुआ द सेकेंड सेक्स, वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन, मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी एस्टेल्स अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्क जो है वो अर्लिएस्ट ट्रैक्ट नहीं, अर्लिएस्ट ट्रैक्ट है फेमिनिज्म का। चलिए तो चलिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि ठीक है, आपको पता है अर्लीस्ट अगर आप फेमिनिज्म को देखा जाए तो द वाइफ ऑफ बाथ, आपको याद है कैंटरबरी टेल्स में द वाइफ ऑफ बाथ थी, एक उनकी एक स्टोरी थी,
वाइफ ऑफ बाथ स्टिल, कि विमेन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, विमेन की जो अटमोस्ट डिजायर है वो क्या है, टोटल सावरिन। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल अर्ली एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं जॉफरी चौसर की, याद रखेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑरलैंडो फ्यूरोसियो भी, ये भी आपकी आ जाती है। एंड ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपकी अ सीरियस प्रपोजल, ठीक है, अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ देयर ट्रू एंड ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट, मैरी अस्टेल। मैरी अस्टेल की ये जो वर्क है ये 1964 में आई थी, 1694 में, सॉरी 1694 में आई थी ये वर्क, अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज। ये अर्ली एग्जाम्पल माना जा सकता है, ठीक है, अर्ली एग्जाम्पल माना जा सकता है सीरियस प्रपोजल मैरी एस्टेल का। इसका सेकेंड पार्ट भी आया था 1697 के अंदर में, और इसके बाद द एडवेंचर ऑफ द ब्लैक लेडी एफ्रा बेन का। और इसके बाद आपकी बात करेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट या सिमेन डी बुआ, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका इसके बाद में ये सारी चीजें स्टार्टिंग आपकी किससे हुई थी, यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी आपकी मैरी एस्टेल से। ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग में मैरी एस्टेल अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की 1791 में आई थी ये, 1791 में आई थी। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको स्टार्टिंग अगर पूछा हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस भी दिया होता तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते, क्योंकि अगर किसी में भी, अगर किसी में भी राइट ऑफ वुमेन की बात करी गई है तो वो आपका फेमिनिस्ट वर्क कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपके क्वेश्चन थे आपके, वर्जीनिया वुल्फ, रूम ऑफ वन सोन, ये भी आपका विक्टोरियन से बिलोंग करता है, सिमोन डी बुवा द सेकंड सेक्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपके जितने वर्क थे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सारी वर्क जो है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि नेट में आए हुए थे। ये क्वेश्चन लास्ट वाला आपका नेट में नहीं आया था, 1949 में मॉडर्न टाइम पे ये लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका नेट का नहीं है इस बार का, प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस थे, आई होप मुझे पता है ये आपको थोड़े से टफ लगे होंगे। ठीक है, थोड़े से ये टफ लगे होंगे आपको, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो पढ़ा है उसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके कोर्स के राइटर से बिलोंग करते थे, जैसे थॉमस हार्डी हो गए, टी आर सिलियट हो गए, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के वर्क पर बेस्ड कौन सा वर्क है ये हो गया, या फिर डिजी मेजिकल हो गए, वर्ट विटमैन हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं जो वो आपके सिलेबस के क्वेश्चन है। तो सिलेबस आपका अपने जो राइटर पढ़ा है टीजीटी पीजीटी में भी जो राइटर पढ़ा है, या फिर अगर आपको जैसे अभी ईएमआरएस का आया हुआ है फॉर्म, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। DSSS भी आप फॉर्म फिल करते हो वहां पे ये सारे राइटर से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और आपको नेट का एग्जाम देना है, अगर आपको 2023 दिसंबर बैच के लिए नेट का एग्जाम अगर देना है, तो ये आपका एक कह सकते हैं एक आपको एक झलक दिखी है कि नेट का पेपर कैसे आता है, नेट के पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये पूरा पेपर मैं सॉल्व आपको करवाऊंगी, क्योंकि मैं आपको आंसर शीट भी दे सकती हूँ, ऑनरेडी आपको सिर्फ आंसर शीट दे दूँ, या आंसर शीट आप तो निकाल ही सकते हो, क्वेश्चन पेपर मैं आपको मेल कर दूँ। बट आपको क्या करना है, आपको एक एक चीज समझनी है, सारे ऑप्शन के साथ समझना है, ताकि उस ऑप्शन को नोट डाउन भी करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और उस ऑप्शन में से पूछा जा रहा है, चारों ऑप्शन में से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो आपको वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये वाला तो मैम ने बताया था यहाँ पर इस तरह से बताया था, और ये वाला आंसर यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह के, तो आप उसके ऑप्शंस को भी जरूर देखें, ऑप्शंस को भी नोट डाउन करें। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपको ध्यान रखना है। और नेट 2023 दिसंबर बैच की क्लासेस स्टार्ट है, आप में से अगर कोई भी पर्सन है जिसको कि एडमिशन लेना है, आपके किसी नोन में लेना है, तो जो बैच है वो स्टार्ट है। ठीक है, बैच के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो हमारे ऑफिशियल नंबर है उनके ऊपर आप कॉल करके जो है जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप सीधे पार्थ एजुकेशन ऐप पर जाइए और वहां से जाकर के आप कोर्स जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्थ एजुकेशन ऐप पर जाइए और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस एंड पीडीएफ भी मिलेंगी, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके नॉन पर्सन में अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे लिए इतनी हेल्प कर सकते हैं आप। क्लास को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं क्लास को, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं आप क्लास को अगर चाहें। तो चलिए, नेक्स्ट मुलाकात आपसे होगी फिर से प्रैक्टिस क्लास में, एक दो दिन के बाद में आपको फिर से प्रैक्टिस क्लास होगी, या फिर आपको कोई लेक्चर चाहिए जो पब्लिक डिमांड पर होगा, अगर आप मुझे आप मैसेज करते हैं टेलीग्राम के अंदर में कि मैम मुझे इस टॉपिक पे एक लेक्चर चाहिए, जितने ज्यादा लोग मुझे मैसेज करेंगे उस टॉपिक में आप
आपको पब्लिक लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगी। ओके, नेट की क्लासेस कॉन्टिन्यू चालू हैं, तो जिन्हें नेट की क्लास ज्वाइन करना है वो पार्थ एजुकेशन ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। टीजीडी पीजीडी की कई की डेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो अगर कोई ऑफिशियल डेट आएगी तो आपको चैनल के थ्रू तुरंत ही आपको उसकी न्यूज दे दी जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक कर देंगे तो चीजें आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो वो चीजें आपकी और अच्छे से आती जाएंगी और आपके डाउट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय।